इसका मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे अलग से इसके अंदर कोई बर्तन पानी का नहीं रखना पड़ता। ठीक है जी, अभी मैं इसे बंद कर, ये अभी मैंने इसे जो है वो चला दिया। इसका 32 पे टेम्परेचर है जी, 33.2 पे टेम्परेचर है, और अब आफ्टर दैट मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। वीडियो जानी है, टोटल जुगाड़ू काम किया है। यही टेम्परेचर आपको 6 से 7 हज़ार में मिलेगा बाहर मार्केट में। मैंने कितने में तैयार किया जी, टोटल 1200 रुपये में। 350 रुपये का थर्मोस्टेट, 250 रुपये का इसका अडाप्टर, और बाकी जो है छोटे मोटे लाजमात, जो सबसे अहम चीज़ है वाटरप्रूफ और इंसोलेशन वाला, आइसोलेशन वाला, ये समझ लें कुदरती मुझे मिल गई। वैसे ही मेरे जहन में आ गया कि यार ये बहुत काम की चीज़ है, और मैं आपको LED बल्ब पे चूज़र निकाल के दिखाऊंगा, बजाय इसके 100 वाट का बल्ब जो 2-3 एम्पेयर खाए। बिल्कुल LED, ये तो बड़ा मैंने लगाया हुआ है ना, अभी छोटा लगाऊंगा इसके अंदर मैं, बड़े की भी ज़रूरत नहीं है। सुराख वगैरह बंद करके थोड़ी सी इसे अभी फिनिशिंग देंगे, फिर जो आपको मज़ीद इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज काफ़ी अरसे बाद दोबारा, क्योंकि गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं, तो अब दोबारा जो है वो हैचिंग का सिस्टम बनाने लगा हूं मैं। हैचिंग के दिन शुरू हो गए हैं, इस टाइम 35 तक टेम्परेचर है, तो 36-37 तक ले जाने में कोई मसला नहीं है। आप LED बल्ब पर भी चूज़े निकलवा सकते हैं इस मौसम में, सितंबर के तकरीबन मिड में। तो उससे आगे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, हम LED बल्ब से इसके अंदर लगा देंगे दूसरा वाला ज़ीरो का बल्ब। ज़ीरो के बल्ब से हम शिफ्ट हो जाएंगे बाद में 100 वाट के बल्ब पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो सारी सर्दियाँ, मेरी बात को समझें, सारी सर्दियां आप जो हैं LED बल्ब पर ही चूज़े निकलवा सकते हैं आराम से। कोई 100 वाट का बल्ब नहीं चाहिए आपको, और कोई ज़ीरो का बल्ब नहीं चाहिए। ये मैं कबाड़ में से ढूंढ के लाया हूँ जी, 50 रुपए का, ठीक है। इससे आगे जितना कि मैंने यानी कि इसे धो सका मैंने इसे धो लिया, दैट्स इट। अब इसके अंदर जो है मैं अपनी हैचिंग मशीन बनाऊँगा और इंशाल्लाह सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, और ये लंबी सीरीज़ चलेंगी चूज़े निकलने से उनकी फ्लैशिंग तक एंड उनके बड़े होते तक, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जुगाड़ कर रहे हैं घर में मौजूद चीज़ों से, मैं बना रहा हूँ, कोई एक चीज़ भी मैं बाहर से नहीं लेकर, ये सारी चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद हैं। ये पुरानी छाननी, आटा छानने वाली, उसका मैंने जुगाड़ किया अंडे रखने के लिए। इसके नीचे ये, क्योंकि ऑलरेडी ये कूलर है, इसके अंदर जो पानी है उसका बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे पेंदे के अंदर हल्का सा पानी खड़ा कर दें 60-65 से, वैसे ही ऊपर जो है इसकी ह्यूमिडिटी आराम से जो है वो 60-65 से ऊपर इसकी ह्यूमिडिटी चली जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसे मैंने रखा है कि दोबारा उठाई जा सके, ताकि अंदर से सफाई करनी, पानी वगैरह डालना, समथिंग, ठीक है। अभी मज़ीद आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, ये है आइडियल टेम्परेचर फॉर हैचिंग, 37.4। ये बाहर सेंसर लटका हुआ है, आप देख सकते हैं 37.4 इस टाइम, वैसे ही टेम्परेचर 37.4 है। आप इस टेम्परेचर के अंदर बाहर अंडे रख दें 21 दिन, अगर ऐसा ही टेम्परेचर रहे तो बच्चे निकल आएंगे। आप 37.4 है, अंदर बल्ब नहीं जा रहा, ठीक है जी। इसके टेम्परेचर को अब हम गिराएंगे पानी में डाल के, ये लें पानी ठंडा, जैसे ही 36 पे आया वैसे ही अंदर बल्ब जल पड़ा। अभी इसे दोबारा सेंसर को हम अंदर कर देंगे, बल्ब के आगे करेंगे, ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जी, 33.2-3, ठीक है 34, 37.4 पे मैंने लॉक किया हुआ, 35, 36, 37.4 पे अंदर टेम्परेचर पूरा हो गया, उसने बंद कर दिया। मज़े की बात यह है कि बाहर भी टेम्परेचर एक ही है, इसे अंदर भी फेंक देंगे तो लाइट नहीं जलेगी जब तक 37.4 है टेम्परेचर, 36.8 अंदर का टेम्परेचर। मज़े की बात है कम है बाहर से, क्योंकि ये आइसोलेशन है, बाहर की हीट अंदर नहीं जा रही, और अंदर अभी हीट उस लेवल की पैदा ही नहीं हुई कि वो बाहर आ सके, ये जल पड़ा, ठीक है जी। अब ये 37.4 पे कूलर के टेम्परेचर को लेके जाएगा और ये ऑटोमेटिकली फिर बंद हो जाएगा। अब क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, हीट ऊपर को आती है हमेशा, नीचे को नहीं जाती, सेंसर नीचे है। जैसे ही हम सेंसर को पकड़ के ऊपर उठाएंगे,
यहाँ पे हम कर लेते हैं सेंसर को, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, 36.1, 2, 4, 6 दो दो पॉइंट ऊपर जा रहा है, 37.4 पर बंद। ठीक हो गया जी, अभी हम इसे ऊपर से थोड़ी फिनिशिंग देंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे ना यार यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो फाइनली हमारे सारे लवाजमात पूरे हो चुके हैं। ये ह्यूमिडिटी वाला मीटर मैंने अंदर रख दिया, ठीक है जी, ये हमें नमी बताएगा कि कितने परसेंट इसके अंदर नमी है। पंखा इंस्टॉल हो चुका है, अंदर मैंने चेंज करके जीरो का बल्ब लगा दिया क्योंकि मैंने 2-3 रातें चलाया। LED बल्ब दिन को कवरेज दे रहा है, रात को बिल्कुल कोई कवरेज नहीं दे रहा, तो रिस्क वाला काम हमने नहीं करना। टेम्परेचर आगे गिरना है तो इस ज़ीरो के बल्ब से जो है इंशाल्लाह सारी सर्दियां हमारी निकल जाएंगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि नॉर्मल मशीन के अंदर 200 वाट के बल्ब लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये 15 वाट का एक बल्ब भी इसे कवरेज देता है क्योंकि इसके अंदर से हीट बाहर नहीं जाती और सर्दी अंदर नहीं आती। ठीक है जी, ये एक्सपेरिमेंटल ट्राई है, एक साइड पे जो है वो मनफी का निशान है और एक साइड पे मुस्बत का निशान है। प्लस माइनस के निशान मैंने लगाए हैं ताकि अंडों को जब रोटेट करना है तो मुझे पता हो कि कौन सी साइड पहले ऊपर थी और आप कौन सी साइड ऊपर करनी है। समझ गया मेरी बात? अब जो है अंडे मैं इसके अंदर रख देता हूँ जी, बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक्सपेरिमेंटल ट्राई है जी, एक्सपेरिमेंटल तो नहीं कह सकते, पहले एक से ज़्यादा बार मैं ऐसे पंगे लेके और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली बच्चे निकलवा चुका हूँ, लेकिन इस मशीन में ये एक्सपेरिमेंटल ट्राई है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करेंगे, एक लंबी वीडियो में बनाऊँगा जो बिफ़ोर एंड आफ्टर का अहाता करेगी। ये मैंने इसके अंदर 4 अंडे रख दिए हैं, अभी इसे जो है मैं बंद चला देता हूँ पहले, फिर इसे मैं बंद कर दूँगा। इसका मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे अलहदा से इसके अंदर कोई बर्तन पानी का नहीं रखना पड़ता। ठीक है जी, अभी मैं इसे बंद कर, ये अभी मैंने इसे जो है वो चला दिया। इसका 32 पे टेम्परेचर है जी, 33.2 पे टेम्परेचर है, और अब आफ्टर दैट मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तो ये 34.6 हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंशाल्लाह बच्चे निकलने की वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।